What's up, you guys? My name is Pankaj. You're watching Panky Music, and today's lesson is about again one of my project. Jo main aap logon ke saath discuss karna chahta hoon, and the project name is Bring Your House Down. This project I created using Maximum. When I say Maximum, that means ki 90% जो है मैंने इसके अंदर जो है फ्री जो वोकल्स हैं वो यूज़ किए हैं, फ्री ड्रम लूप्स यूज़ किए हैं, फ्री स्टॉक प्लगइन्स जो एबल्टन के अंदर आते हैं वो यूज़ किए हैं. तो ओनली 10% पार्ट जो मैंने इसके अंदर जो सिंथ का यूज़ किया है वो मैंने सिर्फ एक VST प्लगइन है साइलेंस जो कि पेड है, उसके अलावा मैंने टोटली जो ट्रैक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनाया है. तो ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आई वॉन्ट टू शो यू दैट यू कैन क्रिएट नो अ वेरी इम्प्रेसिव ट्रैक. आप बहुत अच्छा गाना जो है बना सकते हैं बटन के अंदर बिना किसी एक्सपेंसिव प्लगइन्स को परचेज किए बिना, या बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज बिना नॉलेज के भी आप ऐसा जो है ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू नो इज कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर लगाना है. यू राइट गाइस, यू हैव टू नो दैट हाउ टू यूटिलाइज नो ऑल द फ्री लूप्स एंड दे कम टूगेदर टू फॉर्म दिस अमेजिंग ट्रैक. तो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, और सबसे पहले आई विल प्ले दिस ट्रैक फॉर यू, एंड उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप. सो लेट मी प्ले दिस फॉर यू राइट नाउ. तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्ले किया ताकि आपको पता लग जाए कि जो ट्रांजिशंस हैं वो किस तरह से हो रही हैं, कहाँ से सॉन्ग जो है वो ब्रेक हो रहा है, कहाँ से मेरा ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो सॉरी अबाउट द लॉन्ग प्ले, बट आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा. तो चलिए बात करते हैं कि इस ट्रैक को मैंने कंपोज कैसे किया, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर यूटिलाइज की हुई हैं. टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, जब मैं कोई भी ट्रैक बनाना शुरू करता हूँ मुझे कोई भी आइडिया नहीं होता कि व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट, मतलब आई सिट विद अ ब्लैंक माइंड और मैं कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस जो हैं वो प्ले करता हूँ, देन आई ट्राई टू राइट अ मेलोडी फॉर दैट, एंड उसके बाद किक्स, और उसके बाद आई थिंक मेरा जो 40-50% काम खत्म हो जाता है. बाकी का जो काम है वो लीपा पोती का है, मतलब उसके अंदर जो आप इफेक्ट्स ऐड करते हैं ना, उसके बाद ऑडियो के जो कुछ फिल्टर्स हैं वो लगाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. आई मीन कंप्लीटिंग ए सॉन्ग नो हैज़ नो लाइक लिमिट्स. आप कितना भी इसके अंदर घुस जाएं यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड. आपको लगेगा यार हाँ यार थोड़ा सा और कर दूँ. सो डोंट गेट इन टू दैट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए किसी एक सॉन्ग को. आप कोशिश कीजिए कि वो एक अच्छी स्टेज पर आना चाहिए, और उसके बाद आप उसको जो है मास्टरिंग प्रोसेस के लिए डाल दीजिए. तो चलिए आज मैं शायद बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, लेट मी
टर्न ऑन द वॉल्यूम लिटिल बिट, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ मेरे लैपटॉप की वॉल्यूम प्लस मैं जो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, तो दोनों क्लैश होती हैं, तो वो आपको बैकग्राउंड का जो नॉइस है उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसकी वॉल्यूम जो है कम की हुई थी, तो मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मैंने ट्रैक ऑलरेडी प्ले कर दिया है। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा वोकल्स की। इसमें जो वोकल्स आप सुन रहे हैं ब्रिंग योर हाउस डाउन ब्रिंग योर हाउस डाउन, ये वोकल मैंने साइमेटिक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ये एब्सोल्युटली कॉपीराइट फ्री है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है कि आप किस तरह से डाउनलोड करने हैं। तो ये वोकल मुझे मेरे पास डाउनलोडेड था बहुत टाइम से, आई थिंक मैंने एक डेढ़ साल पहले डाउनलोड किया होगा और मैंने कभी इसकी तरफ देखा नहीं, बट मैं एक ट्रैक बना रहा था जहाँ मुझे लगा कि कुछ वोकल्स उसके अंदर डालने चाहिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, इवन मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके तैयार की, बट वो मतलब इतनी बुरी साउंड कर रही थी कि मैंने कहा रहन दो यार, ट्रैक फ्लॉप होने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा सा ठीक साउंड करे। सो देन आई यूज दिस वोकल और ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठा है इस ट्रैक के साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो मैंने ना इनके ग्रुपिंग की हुई है सबकी, लाइक अगर आप वोकल को देखेंगे तो ये एक कलर के अंदर है और ये एक ट्रे के अंदर आप इनको देख पाएंगे, लाइक वोकल एल टू वोकल टू, तो ये मैंने इनको ग्रुप किया हुआ है। अब ग्रुप करने का जो मेरा एक सिंपल सा मोटो है कि मैं चीज़ों को थोड़ा ना ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ, आप भी ग्रुप कर सकते हैं, बस सेलेक्ट कीजिए बहुत सारे तीन या चार ट्रैक्स को राइट क्लिक कीजिए एक साथ और यू कैन ग्रुप देम, आप अनग्रुप भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल है, बट जस्ट टू कीप देम ऑर्गेनाइज मैंने ग्रुप किया हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वोकल्स की, तो मैं वोकल का जो ये मेरा ट्रैक है ये वाला, आपको आई होप कि मेरा कर्सर दिख रहा है, ये वाला ट्रैक है, इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ सोलो, ठीक है, ताकि सिर्फ इसके बारे में बात करें तो आपको यही सुनाई दे। अगर मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है, अब ये जो सैंपल है ये एज इट इज़ ऐसा नहीं है, मतलब ये ब्रिंग ए हाउस डाउन एक सिंपल लाइन थी, बट मैंने उसको थोड़ा सा आगे पीछे किया है ऑफ कोर्स टू मेक ए कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे ये हो रहा है, तो ये ब्रिंग ए हाउस डाउन जो वर्ड आया है वो मैंने कंबाइन किया है, मतलब वोकल थोड़ा सा ही था बट उसको मैंने चॉप कर करके आपस में कंबाइन करके ये पैटर्न जो है क्रिएट किया मेरे ट्रैक के अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने आपको बताया कि ये टोटली फ्री था, मैंने साइमेटिक से डाउनलोड किया था, ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस पर और क्या क्या जो है वो कार्रवाई की हुई है। तो सबसे पहले ये मेरा वोकल जो मेन ट्रैक, जब भी मैं ग्रुप करता हूँ तो एक मेरा रूट ट्रैक बन जाता है वोकल जो ये है, तो इससे मेरा कुछ लेना देना वैसे है नहीं, बट इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मैं कुछ भी इफेक्ट या कोई भी ट्रांजिशंस लगा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली इस वोकल ट्रैक के ऊपर, मतलब रूट के ऊपर जाके लगा सकता हूँ, तो वो अगर इस ग्रुप के अंदर पाँच या छः ट्रैक्स भी होंगे मेरे वोकल्स के तो वो सबके ऊपर जाके अप्लाई हो जाता है, मुझे इंडिविजुअली हर ट्रैक के ऊपर जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है ग्रुपिंग का। तो चलिए रुक करते हैं अपने वोकल के ऊपर, तो ये है मेरा वोकल, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है तेरा, अच्छा ये दूसरा वोकल है, मैंने इसमें दो वोकल यूज़ किए हैं, अच्छा ये वोकल भी जो है ये कुक कुक की आवाज़ जो आपको आ रही है ये भी साइमेटिक से है, एब्सोल्युटली फ्री है, मैंने कुछ इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। अच्छा मैं एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो चीज़ ये है कि अगर मैं इसको एक बार सोलो करूँ, अभी आपको जो आवाज़ है वो आपके राइट हैंड साइड वाली ईयर में सुनाई दे रही होगी, राइट, ठीक है, अब अगर मैं इसको इस वाले को सोलो करके प्ले करूँगा तो वो लेफ्ट में सुनाई दे रही है। तो ये करने का मेरा पर्पस ये होता है कि जो आवाज़ है वो स्टीरियो मोड में आए, कभी भी आप कोई भी ट्रैक बनाते हैं आप एक वोकल ट्रैक उसके ऊपर अलाइन कर लेते हैं और आप उसी को जो है पूरे ट्रैक के अंदर यूज़ करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप उसको डुप्लीकेट कर लीजिए ताकि उसकी आवाज़ जो है वो इन्हेंस होके आए, या फिर सिंपल उस ट्रैक को आप डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कर्सर जहाँ पर है, यहाँ पर इसका जो स्टीरियो का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आर है, दैट मीन्स राइट साइड, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो राइट होगा, अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊँगा कर्सर को अपने को तो ये लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं करता क्या हूँ कि एक ही ट्रैक की मैं दो कॉपीज बनाता हूँ, एक को मैं राइट जो चैनल है उसमें उसकी वॉइस का आउटपुट देता हूँ और एक जो ट्रैक है उसकी मैं लेफ्ट के अंदर जो है वॉइस देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये राइट है और आप ये देखेंगे ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये देखिए ये मेरा लेफ्ट है यहाँ पर टोटली, अगर इसको मैंने बिल्कुल नीचे किया हुआ है, इसको ऊपर करूँगा तो ये राइट में जाता है और ये वाला जो है मेरा राइट है, तो डैट मीन्स के
आपको आवाज जो है वो बहुत इनहेंस होके आएगी, क्योंकि वो एक ही आवाज दो चैनल से होकर आ रही है, तो वो बहुत इसीलिए जो साउंड है जो वो इतना गूंज के साथ जो है आपको सुनाई दे रहा है। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद कि इसके ऊपर मैंने क्या इफेक्ट्स यूज किए हुए हैं। मैंने सिंपली यूज किया हुआ है एक कंप्रेसर, मैंने कोई साइड चेनिंग नहीं की हुई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने EQ8 यूज किया है, और EQ8 में मैंने क्या हुआ है, जो जो फिल्टर है मैंने लो पास फिल्टर यूज किया है, ताकि आप देख रहे हैं कि ये जो वाला जो एंड है मेरा, ये बिल्कुल मैंने उसका जो शुरू का जो बेस होता है वो बिल्कुल कट कर दिया मैंने। अगर मैं इसको इसको हटा दूं, तो आप देखेंगे कि दोनों में ना थोड़ा सा जो बेस है वो कम आ रहा है। तो मैंने हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये रखी है कि जब भी आप कोई भी ट्रैक, इवन ड्रम्स का या किक्स कुछ भी आप रखते हैं, यहाँ पर राइट यहाँ पे किस फिल्टर पर क्लिक कीजिए, और आप इसको फिल्टर जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फिल्टर जो है सेकेंड वाला, ये आप यूज़ कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा। और प्लस आप इन वैल्यूज़ को जो है ड्रैग करके ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा इसके ऊपर EQ8 क्यों यूज़ किया है, उसका पर्पस ये है कि मैंने इसका जो फेस है वो थोड़ा सा ओपन किया है, मैंने इसका ऑटोमेशन जो है वो किया है। मैं ये शुरू यहाँ से होगा, मतलब बंद आवाज से शुरू होगा, और धीरे धीरे उसके बाद जो खुलेगी, जो कि EDM का बहुत ही कॉमन सा इफेक्ट है, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। और इसका जो ट्यूटोरियल है मैं ऑलरेडी आपको एक बार बना के बता चुका हूँ। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर सिर्फ लिमिटर लगाया है, लिमिटर मैंने इसे लगाया है ताकि एक वैल्यू जो है साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक मैक्सिमम जो हाइट है हर्ट्स में उससे ऊपर ना जाए। ये आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं लिमिटर को, ये फ्री है, अगेन एबल्टन लाइव सुइट के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर ट्रैक के ऊपर लास्ट में लिमिटर जरूर लगाएं, ताकि लिमिटर मतलब लिमिट, राइट। तो उसकी जो अपर वैल्यू है, जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसीज होंगी, जो अननेसेसरी फ्रिक्वेंसीज होगी, उनको वो क्या करेगा, लिमिट कर देगा। तो ये जो है एक, आप सैचुरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सैचुरेटर का काम ये होता है कि वो आपकी वॉइस को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट करने का उसका काम होता है, बट लिमिटर ऑल्सो वर्क द सेम वे। तो मैं इसको यूज़ किया है। तो ये हो गई हमारी वॉइस की बात, ठीक है। तो वॉइस मैंने दो वोकल्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, दोनों मैंने उनको बता दिए। लेफ्ट चैनल राइट चैनल इज़ ए ट्रिक, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ की है, देखिए ये वाला जो मेरा वोकल है, ये यहाँ से ये रिपीटेड वोकल है, मैंने अगेन उसी वोकल को दोबारा कॉपी करके अपने ड्रॉप के अंदर यूज़ किया है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है मेरे कॉर्ड्स एंड मेलेडी, ठीक है। किक्स तो आप खुद भी बना सकते हैं, किसी की लूप भी मतलब यूज़ भी कर सकते हैं किसी की ऑलरेडी किक, आप उसको सैम्पल करके। इट्स वेरी सिंपल, मेरे हिसाब से सबसे आसान काम जो होता है वो किक बनाना होता है, उसमें कुछ तीस मार खाने वाला काम नहीं है। सो लेट्स गेट इनटू द जो बैकग्राउंड में जो मेरा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको करूँगा यहाँ पे ऑन, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या इसके ऊपर प्रोग्रेशन बनाई हुई है। ये है मेरी कॉर्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आप पैटर्न देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स में, आई डोंट माइंड अगर आप सेम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा वो चेंज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरा जो इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन का पैटर्न, और इसके ऊपर मैंने यूज़ किया है साइलेंथ वन। साइलेंथ वन में भी मैं आपको डिटेल में जाकर बताता हूँ मैंने कौन सा साउंड यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर मैंने साउंड यूज़ किया है 52, और साउंड का जो नेम है वो है LD फॉलो, ठीक है। 52 मैंने यूज़ किया है साउंड नंबर इसके अंदर, साइलेंथ वन के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर मैंने सिर्फ इसको सिंपल से EQ8 लगाया है। EQ8 को मैंने जो यहाँ पे थोड़ा सा उसका वैल्यू पीक कर दिया, ताकि जो इसका जो जो टेल है वो थोड़ा शार्प सुनाई दे, ठीक है। वो मैंने इसके ऊपर कुछ और इफेक्ट नहीं लगाया, यू कैन सी दैट। अब इसी चीज़ को मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैंने कॉपी किया इस साइलेंथ वन को यहाँ पर, और इसको मैंने नाम दिया बेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक चल रहा लीड ये वाला, और ये वाला मेरा बेस है, ठीक है। अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं दोनों को एक साथ चलाऊं तो ये ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। तो बेस का जो फ्लेवर वो भी आ रहा है, लीड का फ्लेवर भी आ रहा है, तो ऑल ओवर ये बहुत ही जो है ठीक साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये है साइलेंथ में, अगेन मैं आपको बेस वाला जो पार्ट है वो दिखा देता हूँ। साइलेंथ वन मैंने इस पर अगेन यूज़ किया है। मैं क्या करता हूँ, एक बार जब मैंने एक कॉर्ड प्रोडक्शन बना ली किसी भी साउंड को यूज़ करके, सिंपली इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक डुप्लीकेट,
और जो दूसरा वाला ट्रैक होता है उसमें मेरे को करना सिर्फ इतना होता है, मैं इस ट्रैक पे जाऊंगा, ओपन माई VST प्लगइन जो भी मैंने आप यूज़ किया है, एंड देन चेंज द साउंड। एंड हाउ कैन यू चेंज द साउंड? सिंपली उसकी वैल्यूज़ को अप डाउन कीजिए और उसको प्ले कर दीजिए लूप में, एंड देन यू सी के कौन सा जो है बेटर साउंड कर रहा है, कौन सा जो उसके साथ कॉम्बिनेशन में अच्छा आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ मैंने साउंड यूज़ किया है नंबर 160 HOV स्क्रीम है वो, ठीक है, ये साउंड नेम है 160, आई रिपीट 160, ठीक है, ये मैंने बेस साउंड जो इसके लिए यूज़ किया है, और इसके ऊपर मैंने कोई इफेक्ट्स नहीं लगाए हैं एज यू कैन सी। और इसके बाद मैंने इसको किया था ग्रुप के ऊपर मैं अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने इसको ग्लू कंप्रेसर यूज़ किया है, साइड चेन कर रहा हूँ मैं अपने वोकल्स के साथ ताकि वोकल्स के साथ जो है वो जो है ग्लू करके चिपक के मतलब एक तरह से सिंक में आए। और EQ8 जो कि मेरा फेवरेट प्लगइन है, अगेन मैंने लो पास फिल्टर यूज़ किया है और वैल्यूज़ मैंने सिर्फ आगे से इनको थोड़ा लो कर दिया ताकि बेस सुनाई ना दे, सिंपल। ठीक है, तो हमने वोकल डिस्कस कर लिया, हमने बेस डिस्कस कर लिया, अब मैं डिस्कस करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज माई मेलोडी। ठीक है, मेलोडी इसकी बहुत क्रंची सी ना मतलब बहुत इंप्रेसिव सी है, तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। कहाँ है मेरा मेलोडी? ये मेरा मेलोडी का ग्रुप है और यहाँ से शुरू हो रही है शायद, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा आपको अरेबिक टाइप का फ्लेवर आ रहा होगा कि अरेबिक उस टाइप का है, और ये मेरा इंटेंशन भी कुछ ऐसा ही था जब मैं इसको बना रहा था कि कुछ अरेबिक टाइप का इसमें वो आना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने मेलोडी के ऊपर अगेन यूज़ किया है साइलेंट वन प्लगइन, और इसको मैंने साउंड यूज़ किया है यहाँ पर 145 आर्प साउंड मैंने यूज़ किया है, साउंड नंबर 145 आर्प पावर रिफ। और इसको अगर मैं सिंगल प्ले करूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा प्ले होता है, और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है अगेन जो मैं डुप्लीकेट करके बनाया है वो है ये। तो इन दोनों साउंड को जब मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ तो ये ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगी, सिर्फ डुप्लीकेट और चेंज द साउंड। आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने कोई भी इफेक्ट ही नहीं लगाया है, उसके बाद भी ये बहुत बेहतरीन साउंड कर रहा है। सेकेंड जो वाला मैंने साउंड उस पर भी मैंने आर्प यूज किया है, एंड साउंड नंबर इज 151 आर्प टेक 5, ठीक है, ये इसका साउंड है 151 जो मैंने दोनों पे यूज किया है। मेलोडी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगेन मैंने ये स्केल यूज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैं हमेशा स्केल को रफली ड्रॉ कर लेता हूँ पहले ऐसे, उसके बाद मैं जो है जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में भी कि आप इसको फोल्ड कीजिए और आप कुछ भी टाइप करेंगे यू विल ऑलवेज बी इन द स्केल, सो मैंने इसको वही पैटर्न यूज किया है, ये मेरा पैटर्न है और इसको मैं आपको क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए बनाना, मतलब मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे तो मेरे को इसको कंपोज करने के लिए, मतलब सिर्फ मेलोडी को ना कि पूरे सॉन्ग को, पूरा सॉन्ग तो मेरा तकरीबन 7-8 दिन में ये हुआ है जाके, ठीक है। उसके बाद मेलोडी हो गई, हमने कॉर्ड्स डिस्कस कर लिए इसके, मैंने बेस आपको बता दिया क्या है, उसके बाद इसके जो ये है आपकी किक, ठीक है, मैं आपको किक बता देता हूँ कि मैंने किक कौन सी यूज़ की है इसके अंदर। माई किक इज ये वाली नॉर्मल किक है, एक लूप है जो मैंने डाउनलोड किया था, आई थिंक सेमेटिक से ही किया था, ठीक है, कुछ इसके अंदर मैंने ज्यादा नहीं किया हुआ एक्स्ट्रा। किक के ऊपर अगर मैं जाऊं तो मैंने इसके अंदर EQ8 प्लगइन यूज किया हुआ है, EQ8 में मैंने इसका जो थोड़ा सा जो अपर बेस लेवल होता है उसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, और बाकी का नॉर्मल ही है। टेल मैंने इसकी हाई कर दी है ताकि शार्प जो एंड्स हैं वो सुनाई दें, ठीक है। किक को मैंने एक ही बार यूज़ किया है, इसको मैंने डुप्लीकेट नहीं किया, नॉर्मली मैं किक को भी डुप्लीकेट कर देता हूँ, और बस इसके मास्टर ट्रैक के ऊपर कुछ है नहीं यहाँ पे, तो किक वेरी सिंपल है। उसके बाद ये वर्स जो है मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, वर्स मैं दिखाई देता हूँ वर्स क्या है, वर्स मुझे भी ध्यान नहीं है यार, ओके यहाँ से होगा शायद कुछ, अच्छा यहाँ से है वर्स, कुछ नहीं है, जो मेरे कॉर्ड्स थे वही मेरे वर्ड्स में यूज़ हो रहे हैं, मैंने सिर्फ किया क्या है कि उनको एक डिफरेंट जो है साउंड असाइन कर दिया, दैट्स इट, सेम ही रहा है मेरा, ये मेरा वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, इस पर ही मैंने साइलेंट वन यूज़ किया हुआ है, एंड द साउंड नेम इज 62, ठीक है, LD मूक रेज, ये साउंड का नेम है, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ किया है, सेम मेरा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन था उसी को मैंने यूज़ किया, ये रहा, और इसको मैं प्ले कर दो,
ठीक है, तो सेम है, कुछ नहीं किया, बस उसमें था कि मैं उसमें डिफरेंट लेयर्स बना रही थी उसको डुप्लीकेट करके, एक अपर स्केल में, एक हाई स्केल में, सॉरी एक अपर ऑक्टेव में, एक लोअर ऑक्टेव में और एक बेस ऑक्टेव में मैंने उसको डाला था अपने कॉर्ड्स को, और इसमें मैंने सिंगल लेयर रखा है, तो उसमें वर्ड्स में कुछ ज़्यादा मैंने इसमें काम नहीं किया है। उसके बाद किक्स मैंने आपको बता दी हैं। नाउ मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि लास्ट में हम ऐड करते हैं, बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें, और ये हमारा है क्या कहते हैं जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन से इफेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, देन आई थिंक यू कैन क्रिएट एनी ट्रैक, एंड देन वेरी इंप्रेसिव, इवन अ लो साउंडिंग जो ट्रैक्स होते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू ऐड इफेक्ट्स ऑन देम, आप उनको बहुत ही नो इम्प्रेसिव या बहुत मेलोडिक बना सकते हैं। सो लेट मी गो टू द इफेक्ट्स रैक, वेर इज इम्पैक्ट्स, दिस इज माई इम्पैक्ट। तो मैं हमेशा इम्पैक्ट को यूज़ करता हूँ जहाँ से मेरा ट्रैक जो है या तो ख़त्म हो रहा होता है उसका पहला पार्ट या शुरू होता है। तो हम ज़्यादातर ना जो इफेक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं टू ब्रिज टू पार्ट्स ऑफ माई सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल माई इंट्रो पार्ट कनेक्ट्स टू माई ब्रिज पार्ट और माई ड्रॉप पार्ट, सो इन बिटवीन व्हेन दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर मैं उसमें ये वाला इफेक्ट डाल दूंगा। और ये नॉइस है, साइमेटिक से मैंने डाउनलोड किए हैं, फ्री, कुछ भी नहीं है इसके लिए, आपको सिर्फ इसको सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इफेक्ट्स में आपको अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है मैंने वाइट नॉइस बहुत यूज़ किया है, इसको सुनो। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिर्फ इसको ही प्ले करूँ, तो आपको इफेक्ट्स को यूज करना आना चाहिए कि कहाँ पे इनको यूज करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये देखिए, यहाँ पे जब मेरा सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मैंने तुरंत एक किक डाल दी यहाँ पर, किक मतलब इफेक्ट वाली किक जो मेरा इम्पैक्ट है, ये देखिए, ठीक है, ये डिश करके जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत मतलब लगता है कि यार किसी मतलब किसी ने तरीके से जो काम किया। तो मेरा सॉन्ग मैंने स्टार्ट ही इस चीज़ से किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक वाइट नॉइज डाल दिया ये वाला, इसको मैं अगर दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा इफेक्ट है। ये सारे इफेक्ट जो है फ्री हैं, आप देख सकते हैं सबके ऊपर साइमेटिक्स लिखा हुआ है, आई एम नॉट लाइंग, ये सब फ्री हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए साइमेटिक की वेबसाइट पर, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है। मैं सच में बताऊँ तो आई कांट थैंक दोज गाइज इनफ, मैं उनको मतलब जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम ही होगा, क्योंकि इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें वो दे आर प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री, इवन वो आपसे कोई रॉयल्टी भी नहीं लेते हैं उसकी। तो थैंक यू सो मच साइमेटिक्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं दिल से आपको थैंक यू बोलूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ डिस्कस इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत सारे उस वीडियो हैं जो स्पेसिफिक लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि आप सर आप ये बताइए, ये वाला पार्ट बताइए, बट मीनवाइल मुझे टाइम मिलता है, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है, वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स है, तो मैं चाहता था कि ये मैं किस तरह से बनाया है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी ट्रैक अगर कंपोज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है यार कि यार मैं इस पे काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं फंस गया हूँ, मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, कोई फ्री की चीज़ कैसे डाल सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें, तो ये चीज़ मेरी डिस्कशन आपसे हमेशा चलती रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आपको वो चीज़ें बताऊँ जो या तो बजट में आए या फिर फ्री में मिले, क्योंकि ठीक है यार पैसा खर्च करना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, बट अगर हमारा काम चल रहा है, इफ़ वी कैन अफोर्ड अ सॉन्ग विदाउट इन्वेस्टिंग मच, तो उसमें बुराई क्या है। और आप जितने भी मैक्सिमम ट्यूटोरियल्स उस पर देखेंगे आप यूट्यूब पर, लोग आपको बताते हैं कि यार ये वाला महंगा प्लगइन है, ये मैंने यूज़ किया है, आप इसको यूज़ कीजिए, मैसिव डाउनलोड कर लीजिए, साइलेंट वन, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और वो आपको लूप्स हमेशा वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं यार कि दिस इज़ अ पैक ऑफ लूप्स, आप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई वेबसाइट फॉर फ्री एंड ऑल दैट फलाना ढिमकाना। मैं वो चीज़ नहीं करता अपने वीडियोस में, मैं भी लूप्स बनाता हूँ बट मैं उसको कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता यहाँ पर कि आप वो चीज़ खरीदिए मुझसे, वो सब कीजिए, जब आप फ्री में सब चीज़ें कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें, तो वाई यू नीड टू परचेज, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि जो है मुझे रिस्पॉन्स मिलता है मेरी वीडियोज़ के लिए, बट जितना भी मिलता है आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अपनी नॉलेज को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, चाहे 20 25 30 लोग ही इस वीडियो को देखें, बट मुझे लगता है कि यार जो जेन्युइन जिनको सच में ज़रूरत है, जो इसको देखना चाह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाता है। बाकी पता नहीं यूट्यूब मुझे प्रमोट नहीं करता,
बहुत स्लो ग्रोथ है, आई थिंक कछुए से भी धीरे मेरा जो चैनल है वो ग्रो होता है, बट नेवर माइंड, वो एक अलग पार्ट है. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद सम अदर इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं आपको बताऊंगा कि और मैं क्या नया कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. एनीवेज गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माई ट्रैक्स आर अवेलेबल ऑन सावन. आप सावन अगर सुनते हैं, सावन बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है. आप गूगल प्ले म्यूजिक सुनते हैं, उस पर भी आप सर्च कीजिए एम जे पैंकी, एम जे माइकल जैक्सन वाला, एम जे PANKY पैंकी. तो एम जे पैंकी आप सर्च करेंगे, आपको मेरे जो ट्रैक्स हैं वो वहाँ पर पब्लिश होते हैं, आप उनको सुन सकते हैं. मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं यार, 15 रुपये का ट्रैक होता है वहाँ पे, बट आप मत खरीदिए उसको. आप सिर्फ उसको सुन के देखिए कि वो किस तरह से साउंड कर रहा है, और आप मेरे साथ टच में भी रह सकते हैं. तो एम जे पैंकी मेरा एड्रेस है, आप इवन यूट्यूब पर मुझे सर्च करेंगे तो एम जी पैंकी के नाम से मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पर अपने ट्रैक मैं डालने शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे. तो वो एक जस्ट टू इन्फॉर्म यू. सो अगेन थैंक यू बॉस, आई थिंक मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया इसको. सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. गुड बाय, टेक केयर.